हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने दो दिन बीच में वीडियो नहीं बनाई है और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। 2 दिनों के बाद हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं है। ये लोग आज जल्दी छुट्टी लेके आई हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आजकल। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। देखते हैं, जो कुछ भी होगा मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। स्टीम मोमो जिसके लिए दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। गाइस मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ कैसा है। हाँ गाइस गाइस को बताओ। चलो मुझे लग रहा है कि ब्लॉगिंग अब तुम ही करोगी। फूड ब्लॉगिंग मैं करने वाली हूँ बहुत ही। हाँ, ये बोलती है कि जब इसकी जॉब लग जाएगी उसके बाद ये घूम घूम के फूड 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 ना ट्रैवल 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 ब्लॉग ट्रैवल विद मी। चैनल का नाम हो डिसाइड। चैनल अभी नहीं बनाओ का पता ना बने। उसको देखिए, वो जो तंदूरी मोमोज है उसके लिए बेचारी हट नहीं सकती जब तक वो दे ना दे, तब तक वो दे ना दे। अब उसको गुस्सा धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। हाँ नहीं नहीं उसका गुस्सा इसलिए आ रहा है कि दूसरों दूसरों को दे रहे हैं ना। वो शरीफ की तरह खड़ी है। खाने के बाद आंखें लाल लाल हो गई है। और जो दुर्गा कुंड के पास जलान से उसके पीछे का कुछ जो गैलरी में यहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें मिलती है, इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे लस्सी, रबड़ी, कॉर्न, बहुत सारी आपको डिश खाने को मिलेंगी यहाँ पे। और यहाँ की लस्सी देखिए, यहाँ पे चाट मिलेगी, गोलगप्पे मिलेंगे। और इतनी भीड़ होती है शाम के टाइम पे, बहुत भीड़ होती है। ऑर्डर दिया है स्वीट कॉर्न। हाँ अच्छा लगेगा, ट्राई तो करो। एक एक नहीं नहीं एक ही बनाओ, पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। नहीं मैं खाई हूँ लेकिन ना उबाल, वो जो ऐसे बिना मसाला वाला मिलता है वो वाला। देखिए आज हम लोग सब कुछ ट्राई करने वाले हैं जलांस में आने के बाद। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग के ये कमेंट आते हैं, दी आपकी सिस्टर लोगों की शादी कब है। तो वो तो मतलब सिस्टर लोगों की शादी कब है ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि उनकी शादी अभी नहीं होगी जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती। चाहे लड़का हो, यही नहीं कि लड़की हो तो ही या लड़का, लेकिन ना पापा ने थोड़ी सी सेविंग करके मेरे को भेजा था मेरे अकाउंट में कि उनके लिए कुछ ले लेना। जैसे क्या होता है कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करके रखे, क्योंकि अभी शादी की उम्र हो गई है, धीरे धीरे लड़का देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। जब तक वो कुछ ना कर, जब तक वो मतलब जॉब में ना आए तब तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक माँ बाप सोचते हैं। तो वही मैं ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे जलांस में आए थे। और हमने क्या कुछ लिया है वो मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी। और हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, तो मैं सोचा कि चलो मैं शेयर करूँ। और इन लोगों को मैं खूब छेड़ती आई कि ओए ओए बेटा अब शादी की तैयारी क्या ली हो। ये देखिए तरबूज, नाशपाती, ककड़ी, आप क्या ली हो, टमाटर। तो हम निकल पड़े हैं, 7 बजने वाले हैं लगभग। ना हो ना गिरो, 7:30 होने वाले हैं अब धीरे धीरे। और अब जा रहे हैं हम लोग घर, जाके बनाएंगे खाना और घर पे चल के आराम से मैं आप सबसे बात करूंगी। क्या गाइज मैं आप, हाँ सपोर्ट करिए इसको, इसका गला बैठ गया है दोनों लोगों का। बस क्या कहते कहते सपोर्ट कर दीजिए इन लोगों को, भी नहीं बची हम लोगों की कम। गाइस गाइस बस इसमें 1 महीने 1.5 महीने घर चल के बात करते हैं, क्योंकि अभी रोड पे गाड़ी बस चलता था कमर दी सुन तक हुई हमारे पापा को। मेरी बिंदी गिर गई पसीने से, पता नहीं कहाँ। ये आए हुए हैं प्याज लेके, हम लोग आए हुए हैं। और
देखिए चेंज करवा रहे हैं, पैसे चेंज करवा रहे हैं। आज अभी हम हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो नया कॉरिडोर बना है, और यहाँ पे देख लीजिए तो बाबा के दर्शन कर लीजिए। मैं भी आई हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। फ़ोन अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं बैक कैमरे से आपको एक मिनट तक यहाँ दिखा देती हूँ और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए यही है द्वार, गेट नंबर 4 है ये, यही है कॉरिडोर जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये अभी हम आए हैं काल भैरव, और मान्यता है कि कहीं भी आए, मतलब बनारस में आए। हेलो, और काल भैरव ना आए तो बहुत, हाँ यार अंधे थोड़ी हैं, जरूरी है काल भैरव के दर्शन करना, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दर्शन कराने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। पीछे वाले से जाए ये होता है यहाँ पे, ये दौना मरुआ की माला होती है, तेल होता है, ऐसे चढ़ाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी लंबी लाइन है। मंदिर का, क्योंकि बनारस जो भी आते हैं उनको दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है काल भैरव, क्योंकि ये यहाँ के कोतवाल हैं और इनकी इजाज़त के बिना यहाँ काशी में आप वास नहीं कर सकते हैं। तो हमारा दर्शन हो चुका है और अब हम चलने वाले हैं, चलिए चलते हैं वहाँ, लेके चलेंगे आप सब। देखिए यहाँ पे बस के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, बस यहाँ से 3 बजे निकलेंगी और मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, मतलब 20 मिनट पहले आ गई हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि जल्दी से निकलो वरना लेट हो जाएगा, उसके चक्कर में थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। और मैंने आज सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि संकट मोचन, काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, अन्नपूर्णा मंदिर, सारा बहुत से एक सुकून के साथ में की प्रॉब्लम हो जाती है तो सही होता है वो चीज़ें, तो लेके आती हैं। फिर हमारी बस भी आने वाली है, उसके बाद मैं आप सबसे आराम से बैठ के बातें करूँगी। तो मैं आ गई हूँ घर, और यहाँ आने के बाद आवाज़ थोड़ा सा फंस गया है, इतना ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि मैं वही वीडियो शूट करती, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, बहुत बिखरा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की वैसी थी। अभी मैंने 2 महीने की मैं दवाई लेके फाइनली आ गई हूँ, कि मैं 2 महीने कहीं हिलने वाली नहीं हूँ। ट्रैवल करने से, आने जाने से एक तो प्रॉब्लम, और ऊपर से मतलब अभी मेरा हुलिया थोड़ा सा ख़राब होगा, क्योंकि मैंने पूरा अपना मतलब लगभग 60% मैंने घर की सफाई कर दी है, अभी 40% किचन और बेडरूम बचा है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें, अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पार्सल हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मुझे करनी है, तो मैंने आपको इन्फॉर्म, ये अगले दिन की वीडियो, मैं कल रात को आई थी, आने के बाद मैंने खिचड़ी बनाई और कुछ नहीं मेरे से हो रहा था, क्योंकि कोई चीज़ मुझे इधर की उधर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लिस्ट बनानी है चीज़ें ले आने के लिए, घर का राशन वगैरह जो भी चीज़ें महीने का होता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शेयर करूँगी, बाकी ऐसा ये तो हर महीने ही वो चीज़ें आती रहती हैं। तो देखिए वीडियो, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, मैं क्या वीडियो बनाऊँ अभी तो मेरा बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ किचन क्लीन करने जा रही हूँ, देखती हूँ तो पूरा, अब इतना वो पीछे की खिड़की जो है ना उसमें ना जाली नहीं लगा है, और मैंने इनको इतना बार बोला है, और जाली ना लगने के जैसे डायरेक्ट धूल आती है और सारे डब्बों के ऊपर ना एक लेयर टाइप का बन गया धूल से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सबसे पहला काम करती हूँ, मैं इनको बोल के ना उस पर जाली लगवाती हूँ। और यहाँ पे मैं ज़मीन पे बैठी हूँ, इतनी अच्छी इधर सामने से हवा आ रही है ना, और अरु स्कूल गई है, ये खेत गए हैं, नाश्ता मैंने बना दिया है, और बस मुझे किचन साफ़ करना था, मैं जैसे तैसे बनाया, मैं सोचा कि पहले दे लूँ सबको, कर लूँ फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। और बाकी यही था कि तबीयत अगर ख़राब नहीं होती तो फिर कोई मतलब नहीं था आने जाने का, और मैं तो इकट्ठे, जैसे कि अभी क्या होता है ना, दवाई आपकी चेंज होती रहती है, तो आपको 8 दिन 10 दिन के बाद जाना होता है डॉक्टर के पास, कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं जाती रहती,
बट अभी जो होगा कि नहीं ये सब चीज़ें ये नॉर्मल है और ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो आप ये वाली दवाई कंटिन्यू इतने टाइम तक खाओ। तो मैंने 2 महीने की इकट्ठी लेके आई ताकि मैं हीलू ना यहाँ से, और अरम्या की गर्मिया की छुट्टी स्टार्ट होंगी तो मुझे उसको पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी क्योंकि जब आपका बच्चा छोटा है ना तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है ना तो उसकी पढ़ाई पे ना एक अलग तरीके का ध्यान देना होता है। ये नहीं कि आपको इंग्लिश फटाफट बोलने आती है तो आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप उसके पास बैठो। इतनी नॉलेज हर माँ बाप को होती है, आपकी बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे सो मैं उसको लेके नहीं गई थी, और यूनिट टेस्ट चल रहे थे तो मुझे ज़रूरी मतलब उसने मतलब उसका एक ही था, उसका कबड्डी का था मैच था, तो उनकी टीम फाइनल में गई थी तो वो सैटरडे को था, मैं गई थी बृहस्पतिवार को। तो उसका साफ कहना था कि मम्मा मेरे टेस्ट चल रहे हैं, पहली बात आपको जाना है क्योंकि ज़रूरी है, और दूसरा कि मेरे हस्बैंड भी गए थे, वो वाली क्लिप मैं आप सबके साथ ऐड कर दूंगी। और वो आ रहे थे जा रहे थे बीच में, जैसे कि वो कैसे आ रहे थे कि एकदम सुबह सुबह 8 बजे तक आ रहे हैं, और जब तक वो अरु स्कूल से आती 2 घंटे अपना मुझे दिखा के डॉक्टर के पास, और वो फिर चले जाते थे। क्योंकि कुछ मैंने पहले ही बताया था कि हम सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डॉक्टर के पास भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो हमने बहुत मुश्किल से मैनेज किया है। और ये सब चीज़ें मतलब मदर्स डे वाले दिन भी मैंने जो वीडियो मैंने शूट किया था तो वो पहले से प्री प्लान नहीं था कि हमें ये करना है। और रही बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई देना भी मैं नहीं समझती, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनके अंदर कोई भावना नाम की चीज़ नहीं है, जिनको हर बात पे सफाई देनी पड़ी, ऐसे में क्या किसी को बोल। सो बस ऐसे में थोड़ी देर आप सबसे अपने दिल की बातें कर ली, क्योंकि बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है ऐसे मतलब वीडियो डेली रूटीन डालना और एक आप सबसे बैठ के बात करना। अब मैं जाऊँगी नहाऊँगी, और नहीं नहाऊँगी नहीं, पहले मैं किचन साफ कर लूँगी फिर मैं मतलब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ही नहाऊँगी। मैं सोच रही हूँ, देख रही हूँ कैसे करना है क्या करना है। तो मैं मिलूँगी आप सबसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, और मुझे भी मेरे घर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जब तक सब लोग आएंगे 1 बजे तक, तब तक मुझे खाना पीना अपना सब कुछ बना बना के तैयार कर लेना है। और अभी बड़ी पता नहीं क्यों उदास सा लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा था, बस ऐसे बैठे बैठे मैंने फ़ोन उठाया। तो हम मिलेंगे आप सबसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बहुत सारा, और जो पेरेंट्स हैं ना वो समझते हैं चीज़ों को, और कोई ज़रूरी नहीं मतलब अगर मैं लेके जाती हूँ तो कितना अपने बच्चे को घुमाती हो, तो मैं उसकी पढ़ाई की चिंता नहीं। तो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, है ना, दुनिया का कोई भी हो, मैं मतलब मैं हूँ आप हो कोई हो, सब अपने बच्चों के लिए अपना बेहतर ही सोचते हैं, और वो वही डिसीजन लेते हैं जो उनके लिए अच्छा है, इसमें दूसरों की ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह के ज्ञान देने की मुझे नहीं लगता आई थिंक ज़रूरत है। सौतेली हो तो सौतेला जैसा व्यवहार करूँगी। अब मैं और उस टाइम तो वीडियो नहीं बनता था ना कि मैं जाऊँ, मेरे को पेन हो रहा है, मैं जैसे डिलीवरी के समय हॉस्पिटल जाने इन सब चीज़ों के नहीं है मेरे पास वीडियो, और मैं क्यों दिखाऊँ भाई, मैं क्यों दिखाऊँ, मतलब हंसी भी आती है इस तरह की सोच वाले लोगों के लिए। सौतेली माँ ये वर्ड कितना मतलब चुभता है, कभी सोचा है आप लोगों ने, मतलब जो लोग इस तरह से बोलते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, गोद लिया हुआ है, पहली बीवी का बच्चा है, तुम ऐसा व्यवहार करती हो, मतलब नहीं मैं अपने बच्चे को पूरा दिन कैमरे पे लेके आऊँ और उसको बोला करूँ कि नहीं बेटा लो ब्लॉगिंग तुम करोगे, तुम्हारा भविष्य ब्लॉगर ही तुम्हें बनना है, तो शायद वो अच्छा लगता बहुत सारे लोगों को। क्या बोलूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आता है। तो हर एक माँ बाप मैं ये बोलूँगी कि अपने बच्चे के लिए, आप लोग जो भी इस तरह कमेंट करते हैं वो भी एक पेरेंट्स होंगे या होने वाले होंगे या भविष्य में, तो आप समझ पाओगे उस टाइम कि एक माँ बाप दुनिया का चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा बुरा कोई भी माँ बाप हो, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है। और क्या बोलूँ मिलती हूँ आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए, और अभी गर्मियाँ आ गई हैं, खूब सारा पानी पीजिए, सत्तू पीजिए, पन्ना बना के पीजिए, सिरफल पीजिए। हमारे यहाँ भी आपको मैं दिखाऊँ किस साइड में होगा, किस वाले साइड में, चौकी के नीचे बड़े बड़े सिरफल हैं, तो मैं इनका रस में रोज़, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था बट मैंने वीडियो देखी थी निशा मधुलिका जी की जो शरबत की रेसिपी बताई थी उन्होंने बहुत सारे, या मसाला किचन दोनों लोग की, मैंने वो सेम डे 1-2 दिन के बाद में आई थी वीडियो, मैं उसी तरीके से मैंने भी ट्राई किया, जूस बनाया और बहुत टेस्टी लगा,
और मैं तब से पी रही हूँ जब से मुझे पता चला पेट के लिए अच्छा होता है। तो आप पीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे आप सबसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।